गुस्सा जो किसी इंसान को बर्बाद कर देता है, और यह गुस्सा अगर क्रिकेट के मैदान पर आए तो क्या क्या बर्बाद कर सकता है कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक कहानी है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के गुस्से की। सचिन के उस गुस्से ने विपक्षी टीम को तहस नहस करके रख दिया और उस बॉलर की ऐसी दुर्दशा की कि वापस उसने कभी भी दोबारा सचिन से पंगा लेने की हिम्मत नहीं की। अगर आपके मन में भी उस मैच और उस बॉलर के बारे में जानने की उत्सुकता हो तो हमारे साथ बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। सचिन का वह गुस्सा फूटा था सन 2001 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेले गए एक ओडीआई मैच में, जब सचिन बैटिंग कर रहे थे तब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर मैकग्रा उनसे उलझ गए। तब सचिन ने सचिन का बल्ला बोला और ऐसा बोला कि मैकग्रा की बोलती बंद हो गई। सचिन ने मैकग्रा को इतना धोया कि वे उनसे नजरें नहीं मिला सके। सचिन से पंगा लेना पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारी पड़ा, क्योंकि सचिन ने अपने बल्ले से वो तूफान निकाला जो ऑस्ट्रेलिया को उड़ा के ले गया। सचिन ने उस मैच में 125 गेंदों में 19 चौकों की मदद से 139 रन बनाए। भारत ने कुल 50 ओवरों में 299 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 181 रन ही बना सकी। भारत वह मैच 181 रनों से जीत गया और सचिन तेंदुलकर को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। आप सचिन के इस अंदाज के बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।